आप देख रहे हैं। आज कौन सी भाषा है? जरा जोर से बोलो। आज नेपाली भाषा की हम बात करेंगे। तो नेपाली भाषा नेपाल की तो राजभाषा राष्ट्रभाषा है ही। भारत में भी नेपाली खूब बोली जाती है। आप सिक्किम जाइए, सिक्किम के बहुत सारे लोग नेपाली बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश जाइए, वहां पर भी लोग नेपाली बोलते हैं। मेघालय जाइए, वहां पर भी खूब लोग नेपाली बोलते हैं। तो पहले नेपाली भाषा के विषय में वर्षिता से हम जान लेते हैं उसकी खूबियां। अभी वर्षिता आएंगी और आपको नेपाली भाषा के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देंगी। मैं वर्षिता को आमंत्रित करती हूँ, वर्षिता मंच पर आए और नेपाली भाषा और नेपाल के विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दें। सुप्रभात, आज मैं आप सभी के समक्ष नेपाली भाषा से संबंधित कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत हूँ। नेपाल भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई स्थलवृत्त हिमालयी राष्ट्र है। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्त शासित प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेपाल के 81% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी हैं। नेपाल विश्व का प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। नेपाल की राजभाषा नेपाली है और नेपाल के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। 2011 के सेंसस के अनुसार 44.6% लोग पहली भाषा के रूप में नेपाली बोलते हैं। एक छोटे से क्षेत्र के लिए नेपाल की भौगोलिक विविधता बहुत उल्लेखनीय है। यहाँ तराई के उष्ण फाट से लेकर ठंडे हिमालय की श्रृंखलाएं अवस्थित है। संसार की सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखलाओं में से 8 नेपाल में है। दक्षिण एशिया में नेपाल की सेना 5वीं सबसे बड़ी सेना है और विशेषकर विश्व युद्धों के दौरान अपने बौरखा इतिहास के लिए उल्लेखनीय रहे हैं। नेपाल की संस्कृति तिब्बत एवं भारत से मिलती जुलती है। यहाँ की वेशभूषा भाषा तथा पकवान एक जैसे हैं। नेपाल का सामान्य खाना चने की दाल भात तरकारी एवं अचार है। यहाँ के पर्वों में वैष्णव शैव बौद्ध शाक्त सभी धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। नेपाल अनुग्रह परायण देश है। नेपाल एक छोटा स्वतंत्र राष्ट्र है। उत्तर भाग की ओर भोटिया लिंबू शेरपा आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यहाँ पर प्रवासी भारतीयों की संख्या भी पर्याप्त है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में लुम्बिनी पशुपतिनाथ मंदिर बौद्धनाथ मंदिर आदि विशिष्ट है। धन्यवाद। जो अभी आपने नेपाल और नेपाली भाषा के विषय में जाना, अब मैं निशिता और हिमांशी को आमंत्रित करती हूँ प्रतिदिन के कन्वर्सेशन के लिए। निशिता और हिमांशी, बच्चों एक बार तालियां बजाइए जरा दोनों के लिए। आप ही उनके साथ इस कन्वर्सेशन को वार्ता को करेंगे। भाषा संगम के इस क्रम में हमारी आज की भाषा है नेपाली। इन इंग्लिश वी से हेलो। हिंदी में हम कहेंगे नमस्कार और नेपाली में हम कहेंगे नमस्कार। तो बताइए नेपाली में हम क्या कहेंगे? नमस्कार। इन इंग्लिश वी से व्हाट इज योर नेम? में हम कहेंगे आपका नाम क्या है और नेपाली में हम कहेंगे तपाई को नाम के हो। तो बताइए नेपाली में हम क्या कहेंगे? तपाई को नाम के हो। इन इंग्लिश वी से माय नेम इज लक्ष्मी। हिंदी में हम कहेंगे मेरा नाम लक्ष्मी है और नेपाली में हम कहेंगे मेरा नाम लक्ष्मी हो। तो बताइए नेपाली में हम क्या कहेंगे? मेरा नाम लक्ष्मी हो। इन इंग्लिश वी से हाउ आर यू? हिंदी में हम कहेंगे आप कैसे हैं और नेपाली में हम कहेंगे तपाई कस्तो हुनु हुन्च। तो बताइए नेपाली में हम क्या कहेंगे? तपाई कस्तो हुनु हुन्च। इन इंग्लिश वी से आई एम फाइन। हिंदी में हम कहेंगे मैं ठीक हूँ और नेपाली में हम कहेंगे मैं संचय छू। तो बताइए नेपाली में हम क्या कहेंगे? मैं संचय छू। अब हम आपको एक छोटी सी कन्वर्सेशन करके बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार। तपाई को नाम के हो? मेरो नाम लक्ष्मी हो। तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? मैं संचय छु। धन्यवाद।
let us speak in Nepali today. So I will speak in English and Hindi first. And then we will speak in Nepali. Speak after Nepali is spoken. In English, we say hello. In Hindi, we say namaskar. And in Nepali, we say namaskar. Namaskar. In English, we say, what is your name? In Hindi, we say, aapka naam kya hai? And in Nepali, we say, tapaiko naam ke ho. Tapaiko naam ke ho. In English, we say, my name is Lakshmi. In Hindi, we say, mera naam Lakshmi hai. And in Nepali, we say, मेरो नाम लक्ष्मी हो. मेरो नाम लक्ष्मी हो. In English, we say, how are you? In Hindi, we say, आप कैसे हैं? And in Nepali, we say, तपाईं कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईं कस्तो हुनुहुन्छ? In English, we say, I am fine. In Hindi, we say, मैं अच्छा हूँ. And in Nepali, we say, माँ संचय छु. माँ संचय छु. And now, let's have a conversation. नमस्कार. नमस्कार. तपाईको नाम के हो? मेरो नाम लक्ष्मी हो. तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? म ठीक छु. आपने नेपाली भाषा के औपचारिक जो वाक्य हैं वो सीख लिए हैं. अब कम से कम आप इन प्रदेशों में जिन जिन प्रदेशों की आप भाषाओं के औपचारिक वाक्य बोलना सीख चुके हैं, कम से कम वहाँ भ्रमण के लिए जाते हैं या नेपाल भ्रमण के लिए जाते हैं, कम से कम वहाँ के लोकल लोगों से आप उनका कुशल क्षेम तो पूछ ही सकते हैं. अपना नाम बता सकते हैं, उनका नाम पूछ सकते हैं, उनसे हेलो नमस्कार कर सकते हैं. इतना तो आप सीख ही रहे हैं. ठीक है, कल मिलेंगे नई भाषा के साथ में. थैंक यू.